वेलकम इन सिमला कम्युनिकेशन, हाउ टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर ऑफ मशीन्स। सिंपली ये बताने के लिए मैंने बताया, रिचार्ज आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, जस्ट कुछ नहीं करना है इसके अंदर। वापस जो है आपको सेटिंग में माई अकाउंट पर जाना है, माई अकाउंट के ऊपर ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, एनी अपडेट और डिवाइस इन्फॉर्मेशन। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो मशीन्स के नंबर्स वगैरह सारे आ गए। उसके बाद जो है आप वापस बैक कर देंगे उसको, क्लिक दबा के एनी अपडेट पे आप चले जाएंगे। ये एनी अपडेट पे मैं आ गया, इसने दिखा दिया आपको अपग्रेड फाइल, इसने दिखा दी फाइल, सेलेक्ट किया आपने और अपग्रेड पे क्लिक कर दिया, ये अपडेट न्यू सॉफ्टवेयर लिखा गया, सिंपली अपडेट होना शुरू हो गया। मशीन जो है अपने आप सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा, पैनल भी दूसरा खुलने लगेगा और उसमें जितनी न्यू चीज़ें हैं, लोग कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट है सॉफ्टवेयर, ही अपग्रेडेशन के कोई चार्जेस नहीं है। जो मॉडल्स डे बाई डे हम लोगों ने ऐड करने हैं उसके कोई चार्जेस नहीं है। और मॉडल की जहाँ तक पैनल लिस्ट का सवाल है, 99% जो मॉडल्स सपोज आज लॉन्च होते हैं, सेकंड डे 99% का डायमेंशन इसके अंदर आ जाता है। और डायमेंशन की जहाँ तक बात है, परफेक्ट कटिंग है, कटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कागज़ जो है मतलब जो भी आप पेपर फीड करने जा रहे हैं उसका अलाइनमेंट आपका ठीक नहीं है, या आपने मॉडल सही से चूज़ नहीं किया, तो आपको ये सारी दिक्कतें होने वाली हैं। ये अभी मशीन का अपग्रेडेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा हूँ मैं मशीन का खड़ा हुआ, और सिर्फ वो मशीन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड, क्योंकि लोगों कई लोगों को है कि मशीन का सॉफ्टवेयर पेबल है। ये आपका जो है अपग्रेडेशन जारी है, बीच में कई बार कोई नेट की प्रॉब्लम होती है तो अनफॉर्चुनेट को आ जाता है। और 4 type रोलर्स हैं, रोलर्स भी जो है बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड हैं, रोलर्स के लिए शीट्स भी लगी हुई हैं। ये आपकी फीडिंग्स मशीन्स, पूरी मशीन्स अलाइनमेंट पूरा पेपर से आ जाता है। एक बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाए तो आपको मैं पैनल खोल के दिखाता हूँ उसका। पैनल के अंदर जो है कस्टम कटिंग का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, प्रिंटर्स रिकमेंडेड प्रिंटर्स के नाम से मेरे पास आ चुके हैं। एक प्रिंटर है इसके अंदर जो कंपैटिबल है G680 और G580 और 680 और कैनन प्रिंटर प्रो जो है वो उसके साथ कंपैटिबल है। ये देखिए फ्रेश मशीन है बिल्कुल, तो 9 cuts मतलब 100% कट्स दिखा रही है। सेटिंग में आप वापस ऑप्शन में चले जाएंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगी, सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं ये है, इससे पहले ये ऑप्शंस नहीं थे सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद जो है आप ये चेक करना चाहते हैं कि कनेक्टेड है वाईफाई के साथ, ये नहीं कनेक्ट है, कोई फॉल्ट है मशीन का तो पोर्ट दिखा देगी बाकायदा यहाँ पे। डिवाइस अपग्रेड अगर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वाईफाई के साथ कनेक्ट है वो भी दिखा देगी आपको, सक्सेसफुली कनेक्ट है। अब अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, चूँकि के ये जो कस्टम कटिंग का ऑप्शन था ये इसके अंदर नहीं था। कस्टम कटिंग में आप जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से हाइट विड्थ और लेंथ जो है सेलेक्ट करके, रेडियस सेलेक्ट करके जो है अपने मन मर्जी से जो है कस्टम कटिंग कर सकते हैं, कोई भी बैक और कोई भी फ्रंट। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो है ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है। एंटी लॉस लोगो कनेक्ट मतलब कटिंग कर सकते हैं, जो भी सेंटर लोगो हैं बीच में, वापस बैक आ जाते हैं। Amazon साउंड्स के अंदर क्या क्या आ रहा है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वापस फिर बैक आए। फोन फिल्म Huawei P40 डाल दिया गया है उसकी फोन फिल्म, जो मॉडल आपका लॉन्च होता है डे बाई डे वो उसके अंदर आ जाता है। कस्टम कटिंग के अंदर ये लोग हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक ही हाथ से पैनल चला रहा हूँ और एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, ये सारा आपके पैनल के अंदर आ चुका है। आप कार के जितनी कार कैटेगरीज आ रही हैं उनके लोगो काट सकते हैं सारे के सारे, गेम कॉन्सोल काट सकते हैं, और फोन फिल्म के अंदर 360 फुल्ली अवेलेबल है, फुल्ली पार्ट जो आप काट सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम्बल रिक्वेस्ट है। और जो लोग अपने को सपोर्ट करते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, मेरे स्टोर से परचेज कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.simlacommunication.com। नो टेंशन, नो इन्वेंट्री ऑफ टेम्पर्स, टेम्पर्स की इन्वेंट्री की टेंशन नहीं है, नए मॉडल्स के डिज़ाइन की टेंशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।